नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर जिले के गरुड़ में स्वच्छ भारत अभियान को अंगूठा दिखाया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले में खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल जिले में नालियां बदहाल हैं, सड़क और दुकानों के आसपास कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लगातार गंदगी के बढ़ने से बीमारियों का भी खतरा बढ़ने लगा है। तो कैसे है डंगोली बाजार के ताजा हालात, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर गरुड़ के डंगोली बाजार में स्वच्छ भारत अभियान को सीधे अंगूठा दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि डंगोली बाजार में कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बाजार में आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक जगह जगह पर नालियां बदहाल हैं, सड़क और दुकानों के आसपास कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़क किनारे शराब की बोतलें फेंकी गई हैं। ऐसे में सफाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। हालांकि बाजार से हटकर एक कूड़ादान बनाया गया है, लेकिन हालात ये हैं कि कूड़ेदान में कूड़े का ढेर भरने और निस्तारण नहीं होने से कूड़ेदान के बाहर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में लगातार गंदगी के बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। वहीं बाजार में सार्वजनिक शौचालयों के अंदर घास जम चुकी है, जिससे उनकी स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं इन जर्जर हालात में खरीदारी करने पोस्ट ऑफिस, बैंक जैसे कामों के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से डंगोली बाजार में कूड़ा निस्तारण करने की मांग की है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि डंगोली में देखिए बोर्ड ऐसे ऐसे लगाए गए हैं, बोर्ड देखिए आप, और सामने शौचालय दिख रहे, शौचालय के हाल यहाँ पे डंगोली में कूड़ादान बना के भी कूड़ेदान में कूड़ा नहीं जा रहा है। और बाकी यहाँ पे हमारे नीचे नोला है, नोले में देखिए आप पूरा बाजार का कूड़ा उस नोले में है। वहाँ पर पानी पीने योग्य है नहीं, तो सारा बाजार का कूड़ा वहाँ पे है नोले में। तो इसी बारे में कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक हैंडपम्प है जिसमें कि पानी पीने मतलब ब्लैक ही नहीं आता बिल्कुल खत्म है पानी। और बाकी सर शौचालय का आप देख रहे हैं, यहाँ पे सामने शौचालय बना हुआ है और दूर दूर से यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक हमारा है, पोस्ट ऑफिस है, बाकी समिति यहाँ पे दूर 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 दराज से लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं, बोतलें ऐसे नालियाँ बंद हो रही हैं, बोतलें ऐसे फेंके हैं, शौचालय नहीं है, बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें शौचालय की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था बनाई जाए, सरकार देखती नहीं है। यहाँ कूड़े का ऐसा ढेर लगा है, बोतलें ऐसे फेंके हैं, नाले बंद हो रहे हैं। ये समस्या तो यहाँ आज से नहीं, कई सालों से ही है। यहाँ एक तो साफ सफाई का कोई साधन नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, और दूसरा यहाँ पर कूड़ा जगह जगह फेंका हुआ है। और डंगोली में इधर उधर से यहाँ पर स्टेट बैंक है, और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, उनको यहाँ पर कोई यहाँ पर ना शौचालय की व्यवस्था है, अगर बाथरूम जाते हैं बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कई बार बनाए गए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया और लोग ऐसे परेशान होते हैं। फिर न्यूज 31 उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकास खंड के डंगोली में। यहां पर स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं, नालियां जगह जगह बदहाल हैं, स्वच्छता व्यवस्था यहां पर चरमराई हुई है, शौचालयों के अंदर यहां पर घास जमी हुई है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हालांकि बाजार में एक कूड़ादान बनाया गया है, लेकिन उसमें भी कूड़े निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। जगह जगह शराब की बोतलें, प्लास्टिक इत्यादि गंदगी के चलते यहां पर लगातार गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इस ओर कोई भी ध्यान देने को नदारद है। समस्या आम जनमानस की है और लगातार यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भी यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस है, आजीविकाएँ हैं, ATM है, और दूर दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाजार में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा होने के चलते स्वास्थ्य समस्याएँ यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में देखना है कि स्थानीय प्रतिनिधि और जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्रों के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठानी चाहिए, वे लोग आखिर चैन की नींद क्यों सो रहे हैं, ये उनके लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा, क्या इस ओर अब कोई संज्ञान लेगा या फिर ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी। न्यूज 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ डंगोली से प्रमोद जोशी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।